रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM से मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा स्पेशल शो नोएडा के स्थापना दिवस पर कुछ हस्तियों से हम आपको मिलवा रहे हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश जी। मैं अपने स्टूडियो में इंदु प्रकाश जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार इंदु प्रकाश जी। धन्यवाद सर। नोएडा का स्थापना दिवस है और नोएडा शहर हरियाली के लिए जाना जाता है। खास बात यह है कि कुछ इस तरह का शहर चंडीगढ़ हुआ करता था और चंडीगढ़ की पैटर्न पर हमारा नोएडा बना है। कुछ नए गार्डन आप लोग बना रहे हैं, नए पार्क बना रहे हैं, इस बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए कि नोएडा शहर की हरियाली का रहस्य क्या है। नोएडा शहर जब बसाया गया था तो ये पठार सा इलाका था और ये सबसे बड़ी चुनौती थी नोएडा के सामने कि यहाँ पे हरियाली ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करके और यहाँ ठंडक लाई जाए जिसमें कि लोग आराम से यहाँ निवास कर सकें। इसी का जो प्रयास था उसी के तहत जो कार्य चला उस समय से वो अनवरत आज भी ऋतु महेश्वरी मैम के, हमारी जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया हैं, उनके निर्देशन में अब अनवरत चल रहा है। उनके आने के बाद निश्चित रूप से इस कार्य में बहुत तेजी आई, नए अनेक पार्कों का डेवलपमेंट हुआ और बड़े पार्कों का डेवलपमेंट हुआ जिसमें बायोडायवर्सिटी पार्क जो 75 एकड़ का है और उसी के बगल में थोड़ी दूर पर ही हम जो है अभी वेटलैंड डेवलप कर रहे हैं, लगभग डेवलप हो गया है, उसमें अंतिम कार्य चल रहा है। उसके थोड़ी ही दूरी पे 137 में हम लोग डाक पार्क डेवलप कर रहे हैं जो कि पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे एशिया में दूसरे नंबर पे है और बड़े जो बड़ा उसका पूरा रेंज है उस मामले में प्रथम नंबर पे वो पार्क डेवलप हो रहा है। 3.5 करोड़ का डेवलप हो रहा है, 3.5 एकड़ जमीन में डेवलप हो रहा है। इसके पहले चेन्नई में मात्र 1 एकड़ का हुआ करता था। इसके अलावा सेक्टर 33 में हम लोग चिल्ड्रन पार्क डेवलप कर रहे हैं जिससे ये एक मैम की सोच थी कि बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव तरीके से कोई भी पार्क यहाँ पर नहीं था, उसके तहत उन्होंने सिल्फाट के सामने वहाँ पर ये डेवलप किया। इसलिए डेवलप किया कि वहाँ लोग आते हैं, बड़ों के लिए तो मिल जाता है साधन सिल्फाट में दुकान वगैरह और रेस्टोरेंट में खाना वगैरह, लेकिन बच्चों के लिए कोई सुविधा न होने के कारण उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था की। इसके अलावा 54 में जहाँ कूड़ा फेंका जाता था, डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था, वहाँ पर जो है हमारी टीम ने, हमारे GM साहब कौशिक साहब ने के नेतृत्व में पूरी तरीके से उसको बदल दिया गया। वहाँ एक इतना अच्छा वेटलैंड बना है कि 2 किलोमीटर आप एलिवेटेड रोड पर पानी के ऊपर टहल सकते हैं। तो इस प्रकार अभी हम लोग आगे की भी, अभी मैम ने कह रखा है कि पूरे शहर को, पहली बात तो हमारा टारगेट है उसको धूल से डस्ट फ्री करना है, डस्ट न होने चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जो भी जगहें अभी हमारी पटरियां बची हुई हैं उसके लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि उसको हम डस्ट फ्री करने के लिए वहां पे घास लगाएं और उनको लगातार पानी। बस एक चिंता का विषय है कि नोएडा में चूंकि पानी का स्तर थोड़ा नीचे जा रहा है, ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास है, हमारी टीम का प्रयास है, हमारे सिविल के, जल के सभी लोग लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग STP वाटर का जो यूज करें। कुछ और नए पार्क हैं जैसे वेद वन है सेक्टर 117 में, उस पार्क की क्या प्लानिंग है, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को। वेद वन और 117 की जहां तक बात है, 117 इसलिए डेवलप किया गया कि 117 के बगल में वहीं पे एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। तो जब वहां पर हमारी CO मैम गई देखने के लिए तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर पत्थर सा जो है अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में अगर इसके बगल में जो जमीन बची हुई अगर इसे बढ़िया पार्क के रूप में डेवलप कर दोगे तो जो लोग आएंगे उनको एक छाह मिल सकेगी। इसी तरीके से जो वेद वन पार्क डेवलप किया जा रहा है सेक्टर 78 में, उसमें भी लगभग हम लोग 40% उसमें काम हो चुका है और जो वहां पर जो वाटर बॉडी वगैरह बननी थी वो बन गई है, जो पेड़ मतलब जो मिट्टी का काम था वो पूरा हो चुका है, जो स्टेडियम उसके सामने ओपन स्टेडियम टाइप का बनता है जो बैठने के लिए देखने के लिए कोई भी कार्यक्रम होता है वो लगभग बन चुका है और पौधे वहां पर आ चुके हैं, ग्रीन हाउस बनाकर उन पौधों को रखा गया है, धीरे धीरे उसको स्थापित किया जा रहा है और जुलाई उलाई तक उसमें पूरे पौधे आपको दिखने लगेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि हमको जैसा कि ये था कि वेदों की तरफ लौटो, वो वाली बात थी कि हम अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से अलग होते जा रहे हैं जो ये भौतिकता का युग है, उसके तहत जो है ये हमारी CO मैम का कॉन्सेप्ट था कि नहीं, हम विकास तो करेंगे लेकिन हम अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को नहीं भूलेंगे, हम अपना मूल नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि वेदों के बारे में
वेद हमारे सबसे पुरातन ग्रंथ हैं, हमारी हिंदू संस्कृति के सबसे पुरातन ग्रंथ हैं। तो इसलिए उनका यह था कि वेदों के बारे में लोग कैसे जानेंगे, उनके ऋषि मुनियों के बारे में कैसे जानेंगे। अगस्त मुनि ने समुद्र पी लिया था, बट आप एक किंवदंती के रूप में सुनते हैं वहां आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से वहां पर जो है वो लाइट एंड साउंड शो भी होगा जिसमें वेदों के बारे में पूरी बढ़िया से बताया जाएगा। तो लोग जाएंगे, हमारे बच्चे जिन्हें कुछ भी नहीं पता है वो कंप्यूटर जानते हैं सर, तो वो जाएंगे वहां पर, तो ये जानेंगे कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है उसको बनाने का। अच्छा, स्वच्छता सर्वेक्षण में नोएडा 350 से 11वें स्थान पर आ गया पिछले साल। इस साल जो नए प्रयास शुरू किए हैं वो भी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि लोग जागरूक हों और अगर उनको जो करना है सर्वेक्षण में आगे बढ़ाने के लिए शहर को, उनकी जो भागीदारी है वो कैसे तय हो, उस बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, कोई भी कार्यक्रम बिना वहाँ की निवासी या जनता की भागीदारी के तो पूरा हो ही नहीं सकता है। निश्चित रूप से नोएडा की जनता जागरूक हुई और उसी ने जागरूक होकर जो है नोएडा को इतने आगे बढ़ाया कि आज हम उस लेवल पर पहुंच गए, चौथे नंबर तक हम लोग पहुंच गए। लेकिन अब आगे जो चुनौतियां और हैं, जब भी आप शीर्ष की तरफ बढ़ते हो तो फिर चुनौती भी आपकी उतनी ही बड़ी बन जाती है। जब आप टॉप की तरफ जाते हो तो एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तो जनता को ये थोड़ा सा समझना होगा, सहयोग ये करना होगा कि ठीक है, सफाई कर्मी तो सफाई हमारे कर रहे हैं, लेकिन हम भी गंदगी फैलाने में, न फैलाने में जितना सहयोग करें उतना ही अच्छा होगा। दूसरा, जो फीडबैक देना है वो सभी के पास गया हुआ है मैसेज, सिर्फ उस पर जाके लिंक को पे जो है उसको फीडबैक दें और फीडबैक में अपने नोएडा को बताएं कि हाँ, सब कुछ हमारे यहाँ अच्छा है। हो सकता है चुनौतियां हों, हो सकता है कहीं कुछ कमियां हों, उन कमियों के लिए वो हमको अलग से इंगित कर सकते हैं और हम उसको दूर भी करेंगे, लगातार हम लोगों का प्रयास रहता है। तो हम उनसे सिर्फ ये अनुरोध करेंगे कि जहां भी गंदगी दिखती है उसमें उसको जो है हटाने के लिए हमको इन्फॉर्म करें, गंदगी जो फैला रहे हैं उनको रोकने के लिए प्रयास करें और फीडबैक प्रॉपर तरीके से अपने नोएडा का दें, जिससे नोएडा नंबर वन बन के आगे आ जाए। एक आखिरी सवाल चलते हुए कि नोएडा शहर की सड़कें, बहुत सारी जगह आपने हरियाली की बात की, बहुत सारी सड़कों के सेंट्रल वर्ज में पेड़ कम है या किनारे पर पेड़ कम है, उनको लेकर इस बार जो मानसून आने वाला है उसके लिए क्या प्लानिंग की गई है? ऐसा है कि अभी हम लोग 2,00,000 पेड़ कम से कम इस सत्र में भी लगाएंगे और हम लोगों ने, चूंकि हमारे यहाँ अभी सिविल वर्क में ये हुआ था कि कुछ सेंट्रल वर्ज जो है पतली थी, छोटी थी, उनको इन लोगों ने जो है वो सही तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसके अनुरूप उन्होंने किया है, आपने देखा भी होगा। तो वहाँ निश्चित रूप से थोड़ा सा गैप आ गए हैं चीज़ों का, कुछ कहीं मिट्टी की कमी है, कहीं पौधों की कमी है, तो उसको हमारे उद्यान विभाग ने जो है पूरी प्राथमिकता से लिया है। उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी हमारे ये सेंट्रल वर्ज में जहाँ जहाँ पौधों की कमी है वो कम से कम इस बार जो है उसको पूरा कर दिया, जैसे पूरा शहर एक साथ हरा भरा दिखे। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंदु प्रकाश जी। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश जी से, जो चर्चा की नोएडा के स्थापना दिवस को लेकर और क्या प्लानिंग है हरियाली को लेकर। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे चर्चा का आज रहा। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।